हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यूरो एनाटॉमी प्लेलिस्ट हम चैप्टर नंबर टू पढ़ रहे हैं और आज टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूरोग्लिया न्यूरो पूरा जो नर्वस सिस्टम है हमारा उसकी जो कंपोजिशन है उसमें एक तो है न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स का जो जो कि बेसिकली सेल्स हैं पूरे नर्वस सिस्टम के और उन न्यूरॉन का जो सपोर्टिंग सिस्टम है सो द न्यूरॉन्स ऑफ द सीएनएस आर सपोर्टेड बाय अलॉर ऑफ डिफरेंट वराइटीज ऑफ सेल्स उन सेल्स की पहली तो बात यह है कि दे आर नॉन एक्साइटेबल यानी ये एक्साइटेबल नहीं है इनमें से नर्व इम्पल्स नहीं गुजरती इनमें से एक्शन पोटेंशियल्स नहीं पास होते क्योंकि एक्शन पोटेंशियल्स जिनमें से पास होते हैं उनका नाम है न्यूरोन अब ये न्यूरॉन के सपोर्टिंग सेल्स हैं सो दे आर नॉन एक्साइटेबल ओके और उन तमाम अभी मैं आपको बताऊंगा देर डिफरेंट टाइप्स चार बेसिक कैटेगरीज होती हैं इन सपोर्टिंग सेल्स की और उनकी फिर फर्दर कैटेगरीज होती हैं तो ये जो तमाम सपोर्टिंग सेल्स हैं उन सबको मिला के ये नाम दिया जाता है न्यूरोग्लिया सो न्यूरोग्लिया के बारे में जैसे ही न्यूरोग्लिया का जिक्र आए आपको दो चीज़ें क्लिक करनी चाहिए नंबर वन न्यूरोग्लिया आर द सपोर्टिंग सेल सिस्टम एंड नंबर टू दैट न्यूरोग्लिया आर नॉन

बाई फाइव टू टेन फोल्ड्स यानी ये न्यूरॉन के मुकाबले में पांच से दस फीसद ज्यादा है यानी से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की बॉडी में ऐसे ही एक नंबर बोल रहा हूँ सौ न्यूरोन्स हैं हंड्रेड तो कोई पाँच सौ या हजार फाइव हंड्रेड और वन थाउजेंड न्यूरोगलियल सेल्स होंगे इतने ज्यादा ठीक है एंड देयर फॉर चूंकि इतने ज्यादा है दे मेकअप अबाउट हाफ द वॉल ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनलॉड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का फिफ्टी परसेंट वॉल्यूम जो है वो किन सेल से मिल बनता है न्यूरोगलियल सेल से मिल बनता है सो इमेजिन

ये एक तो ये है कि इनके फंक्शन अलग अलग हैं अब किसी का काम है फॉर्मेशन ऑफ सी एस एफ एंड एब्जॉर्बशन ऑफ सी एस एफ़ इस तरह का किसी का काम है फैगोसाइटोसिस टाइप का काम का 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 करना माइक्रोफेज की तरह है किसी का काम है स्ट्रांग सपोर्ट देना बिल्कुल फाइबरस पिलर्स की तरह पूरे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देता है किसी का काम है कुछ किसी का काम है कुछ किसी का काम है माइलिन बनाना तो बेसिकली इनके फंक्शन भी अलग अलग हैं और उस हिसाब से इनकी लोकेशन भी अलग अलग हैं ओके तो एक टेबल स्नेल में बड़ा जबरदस्त बना हुआ है ये बेरल डायग्राम दिखाई देखो तो दिस इज़ द न्यूरॉन ये आपका वो सेल है जिसमें एक्साइटमेंट होगी यानी कि जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एक्साइटेबल सेल लेकिन इसके इर्द गिर्द देखो कितने तरह के इधर उधर के सेल हैं फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी है एपनजेबल सेल्स देन देर आर एस्ट्रोसाइट्स ये भी एस्ट्रोसाइट और ये भी एस्ट्रोसाइट इनके अलग अलग नाम है देखो एक कैटेगरी है कैटेगरी ए प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रो एस्ट्रोसाइट और दूसरा कहलाता है फाइबरस एस्ट्रोसाइट फिर देर आर ऑलिगोजैंड्रोसाइट्स एंड देन देर आर माइक्रोगलाया तो ये चारों तरह के सेल इस तरह फैले हुए होते हैं न्यूरोन के इर्द गिर्द और इनका काम है टू प्रोवाइड वेरियस अमाउंट एंड डायमेंशन ऑफ सपोर्ट टू द न्यूरो और मैं टेबल दिखा रहा था किधर गया ये टेबल इस टेबल की ब्यूटी है कि अगर पूरा टेबल ये आपने याद कर लिया ना तो आपकी कमांड हासिल हो जाएगी आपको न्यूरोग्लिया टॉपिक के ऊपर अब इसमें देखो चारों तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स के नाम लिखे हुए हैं एस्ट्रोसाइट ऑलिगोडेंड्रोसाइट माइक्रोग्राया एंड एपेंडेमा अगर किसी की टाइप्स हैं तो वो टाइप्स भी लिखी हुई हैं यानी एस्ट्रोसाइट की एक टाइप है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और दूसरी टाइप है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट ऑलिगोडेंड्रोसाइट की फर्दर कोई टाइप नहीं है माइक्रोग्राया की फर्दर कोई टाइप नहीं है एपेंडेमा इज अगेन देन डिवाइडेड इनटू अपनडिमोसाइट्स टेनीसाइट्स एंड क्रोइडल एपिथेलियल तो नाम लिखे हुए न्यूरोग्लियल सेल्स के उनकी टाइप्स लिखी हुई हैं फिर उनके स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट फीचर्स जो फाइबरस एस्ट्रोसाइट है दे हैव स्मॉल सेल बॉडीज दे हैव लॉन्ग सिलेंडर प्रोसेसेस दे हैव साइटोप्लाज्मिक फिल्मेंट्स एंड दे हैव पेरीविजिकुलर फीट और जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है दे ऑल्सो हैव स्मॉल बॉडीज दे हैव शॉर्ट थिक प्रोसेसेस यहाँ था लॉन्ग सिलेंडर प्रोसेसेस यहाँ है शॉर्ट थिक प्रोसेसेस और मेनी ब्रांचेस

वेरी ब्यूटिफुल टेबल एंड देन लोकेशन पे बात हुई है कि जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइड है दे आर मोर प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर एंड द फ्लोर आर मोर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर। फंक्शन क्या है प्रोवाइडिंग द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर लिमिट The spread of neurotransmitters and help in uptake of potassium ions, as opposed to the protoplasmic, which are more sort of glycogen storage, phagocytic in function, uh, or they take care of the dead neurons and metabolites. So, different functions, different locations, different structures. Is it the oligodendrocytes? They are small cell few delicate processes, no cytoplasmic filaments. Kaam inka hai, mylene banana. बॉडीज हैं दे 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 परफॉर्म फंक्शंस इंसुलेटर्स, ओके? और इनकी लोकेशन क्या है इन रॉज द माइलिनेटेड नर्व माइलिनेटेड नर्व्स के गिर्दी होंगे क्योंकि इनका काम ही है माइलिन बनाना है ना माइक्रोग्लाया। दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द न्यूरोग्लियल सेल्स तमाम न्यूरोग्लियल सेल में सबसे छोटा चुना मुन्ना एंड इस थ्रू आउट द सी घर में बच्चे होते हैं ना इधर से उधर भागते हैं छोटे बच्चे भाई कई एक जगह टिकते नहीं है पूरे घर में उनका एक्सेस होता है किचन कैबिनेट्स में घुस जाते हैं फ्रिज खोल के देखते हैं अंदर तो ये बिल्कुल माइक्रोगब भी ऐसे ही है सबसे छोटे हैं और हर जगह नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं एंड दे आर इनएक्टिव इन द नॉर्मल सी बट दे प्रोलिफ्रेट इन डिजीज एंड एंडफेगोसाइटोसिस का काम शुरू कर देते हैं ठीक है तो ये खाने पीने वाले सेल हैं, खाने पीने वाले से मतलब जैसे आपकी बॉडी में मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, उस टाइप का सेल है ये फिर आती है बात एपेंडिमा चौथी कैटेगरी एपेंडिमा में एक है एपेंडिमोसाइट्स जो कि यूजुअली उसमें विलाय होते हैं माइक्रो विलाय होते हैं सीलिया होता है सो दे आर हेल्पफुल इन सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल इन एब्जॉर्बेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल एंड सेरिब्रो स्पाइनल वाली जगहों पर ये होते हैं यानी कि सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रिकल्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज दे लाइन द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देअर कनेक्शन विद द हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम की जो सिक्रीशन है उनको कंट्रोल करने का काम है टेनिसाइड्स का

दैट वन टेबल इफ़ यू डू दिस टेबल थॉरली इसको आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको ये सारा ना टैक्स पढ़ने की बेसिकली जरूरत नहीं है फिर क्योंकि सारा टैक्स ये टेबल ही एक्सप्लेन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोसाइड्स दे हैव स्मॉल सेल बॉडीज दे हैव स्मॉल सेल बॉडीज यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है एस्ट्रोसाइडसमॉल बॉडीज है ना तो द टेबल इज ब्यूटिफुल दे आर टू टाइप्स फाइब्रस एस्ट्रोसाइड्स एंड प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है फाइबरस एंड प्रोटोप्लाज्मिक उनकी जो सारी डिटेल्स लिखी हैं वो सब डिटेल्स यहाँ पैराग्राफ फॉर्म में लिखी हैं सो आई वुड इफ यू लर्न एंड दिस टेबल यू आर गुड ये चैप्टर आपका ये वाला पार्ट हो गया फंक्शंस एस्ट्रोसाइड्स के फंक्शन जो भी यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं वो सारे फंक्शन यहाँ लिखे हुए हैं ओके सो वी डोंट रियली हैव टू गो थ्रू ऑल टेक्सट लाइन्स बोरिंग 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 स्टाफ क्योंकि वो सब लिखा हुआ स्मॉल सेल बॉडीज एंड देर फाउंड इन रोज हुआ था। फंक्शन इनका क्या था दे आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन में लिखा हुआ था तो भाई वो टेबल जाके याद कर लो सही है दे देर एम्बरोलॉजिकली अनरिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ न्यूरोग्लियल सेल क्योंकि बाकी सबका काम तो खास तौर पे सपोर्ट और सीएसएफ प्रोड्यूस करना लेकिन इनका काम ये बेसिकली सोल्जर्स हैं आपके नर्वस सिस्टम के इनका काम फैगोसाइटोसिस है ठीक है सो दे आर दे आर They are quite an inactive in a normal brain, uh, which are called the resting microglia. But jahan Gerber, hui, they become antigen-presenting cells, they start talking to T lymphocytes, they become phagocytic cells, so you can cells here. एपेंडेमा एपेंडिमा की तीन मैंने आपको कैटेगरी uh, चार बता दी थी uh, तीन एक्चुअली का का काम था एस एफ टेनिसंक्शन करना और अपने एक ही दफा मैंने आपको ना बिल्कुल बेसिक बता दी चीज अपल फंक्शन सी एस एफ का बनना सी एस एफ का सर्कुलेशन सो दैट्स ऑल अबाउट द

जो न्यूरॉन्स का पार्ट है दैट ऑब्वियसली वी विल कवर विद द न्यूरॉन चैप्टर एंड डिस्कशन इस वक्त हम uh, न्यूरोग्लिया की बात कर रहे हैं सो उससे रिलेटेड जो क्लिनिकल नोट्स है वो डिस्कस करते हैं जिसमें पहला है न्यूरोग्लियल रिएक्शन टू इंजरी नाउ रिएक्शन टू द न्यूरोग्लियल सेल्स टू इंजरी वेदर कॉज बाय फिजिकल ट्रामा और वैस्कुलर कोई भी कॉज ऑफ इंजरी हो इनका एक रिएक्शन होता है फॉर एग्जाम्पल जो एस्ट्रोसाइट्स एस्ट्रोसाइट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ फाइब्रोटिक टिश्यू एंड फाइब्रोसिस हो जाती है पर्टिकुलर फिना नोन एज एस्ट्रोसाइटोसिस और ग्लायोसिस और इसके नतीजे में जो बहुत सारा फाइब्रोटिक मटेरियल बनता है डी जनरेटिव फाइब्रोटिक मटीरियल दिस इज कॉल्डिक स्कार

जो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं ये तो मैंने आपको बताया कि दीज आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी तो इनका रिएक्शन ये होता है कि दे बिकम एक्टिव दे ट्राई टू मूव टू द साइट ऑफ इंसल्ट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दे ट्राई टू डू फैगोसाइटोसिस तो ये तो इनका एक रोल है सो दे आर देर फॉर वेरी एक्टिवेटेड इन लॉर ऑफ सी एनियस डिजीजे सच एज मल्टीपल स्क्रोसिस या डिमेंशिया एड्स के पेशेंट में या पार्किसन डिजीजर इन सब में इट हैज़ बिन नोटिस्ड कि जो माइक्रोगलायल सेल्स हैं दे आर हाइपर एक्टिव अच्छा ये तो था रिस्पॉन्स टू इंजरी देयर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो uh, आपके ग्लायल सेल्स हैं इन ग्लायल सेल्स का न्यूरोग्लियल सेल्स का ट्यूमर बहुत कॉमन है सो द ट्यूमर्स ऑफ न्यूरोगलियां अबाउट फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स इंट्राक्रेनियल सोचें कि हाफ ऑफ द ट्यूमर्स विच आर इंट्राक्रेनियल वो बेसिकली uh, न्यूरोग्लियल सेल्स के होते हैं और इन ट्यूमर्स को हम नाम देते हैं ग्लायोमा ट्यूमर्स ऑफ एस्ट्रोसाइड्स आर दोज मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड एंड इंक्लूड एस्ट्रोसाइटोमा एंड ग्लायोब्लास्टोम वेरी वेरी कॉमन सी एन एस ट्यूमर्स वेरी वेरी कॉमन अपार्ट फ्राम एपिंडोमडमल सेल से बनेंगे बाकी के जितने भी ग्लायल ट्यूमर्स हैं दे आर हाईली इनवेजिव तो देर फॉर दे आर वेरी लीथल वेरी वेरी लीथल ओके Now another thing which we have to discuss is multiple sclerosis. It is a very very common disease, particularly in United States of America, um, affecting about you know you see uh, two and a half lakhs Americans. This is very very and getting more and more common. Incidence is ka banta jara. Hai, hai kya? It is characterized by appearance of patches of demyelination. कहीं कहीं से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं वो डी हो जाते हैं अब जब वो डी होंगे तो ऑब्वियसली जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और इसके नतीजे में दे विल हैव सेंसिटिविटीज एंड लॉर ऑफ नर्व कंडक्शन प्रॉब्लम्स एंड देर इज एस्ट्रोसाइट प्रॉरिफ्रेशन लीडिंग टू ग्लायरिक स्कार जैसे अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले तो एक्चुअली डैमेज शुरू हो जाता है सो दैट इज अ कॉमन डिजीज एसोसिएटेड विद डी माइलीनेशन और जब कभी डीमाइलिनेशन का नाम आएगा तो आपको पता है कि डीमाइलिनेशन इज एसोसिएटेड विद ऑलिगोड एनसाइड्स थिंग विच आई हेट टू टेल यू न्यूफ्लाजम्स बहुत कॉमन है ग्लायर एक स्कॉर की टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है यूज होती है अक्सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ डी डिसऑर्डर ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दिस डिस्कशन ऑन न्यूरोग्लियल सेल्स आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा